हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक इन दी टैरो चैनल पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर ऑलरेडी चैनल के मेंबर हो तो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये दिसंबर मंथ की रीडिंग होगी। सब साइंस के लिए, साइंस स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। जो कोई भी साइन का पर्सन है देख सकता है इस वीडियो को। आपके लाइफ में क्या खुशखबर आएगी, क्या गुड न्यूज़ आएगी, आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्या बेहतर होने वाला है आपके लाइफ में, इसके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए स्पेशली। और एडवाइस भी दूंगी मैं आपको कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए ताकि आपकी लाइफ और बेटर हो और ज़्यादा आपको बेहतर चीज़ें मिले। तो पूरा अंत तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप बीच में कुछ स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। एडवाइस मैं दूंगी, कुछ मैसेजेस मैं निकालूंगी हैंड रिटन भी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे तीन पाइल्स मैंने ऑलरेडी लगा के रखे हैं। इसके हर एक के नीचे दो दो कार्ड्स हैं जो हम लोग सबसे पहले रिवील करेंगे और देखेंगे कि जिसने भी जो भी कार्ड चूज़ किया है, जो भी पाइल चूज़ किया है, उनके लिए स्पेशल क्या मैसेजेस हैं। तो ये नंबर वन है, ये स्माइली फेस है ब्लू कलर का। ये नंबर टू है, ये येलो कलर का बटरफ्लाई है, और ये है ऑरेंज कलर का स्टार। तो जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है टाइम स्टैम्प पे जाके आप चूज़ स्किप कर सकते हो। अगर आपको चूज़ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सारे ही देख सकते हो, या फिर कोई दो अगर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़्यादा तो आप दो देख सकते हो। तो जैसे भी आपको लगे, जनरल है तो हर एक के साथ मैच नहीं करेगी रीडिंग, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए एक तक दिसंबर मंथ में क्या कुछ बेटर होने वाला है आपके लाइफ में, क्या कुछ बेटर चेंजेस देखोगे आप अपनी लाइफ में। तो जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा येलो स्माइली चूज़ किया था, पाइल नंबर वन चूज़ किया था, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आए हैं ओरेकल से। पहला है वंडर्स। तो जो चीज़ें आपको लगती है मिराकल है, वंडर है, जो हो नहीं सकती है, वो चीज़ें होने वाली है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग आपके लिए होगा, तो बहुत ही अच्छा जाने वाला है ओवरऑल आपका मंथ ऑफ दिसंबर। और दूसरा जो है टेकिंग रिस्क, तो आपको नेसेसरी रिस्क लेने चाहिए, कैलकुलेटिव रिस्क लेने चाहिए। कोई अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, लेकिन रिस्क लेना भी ज़रूरत है। शायद कोई चीज़ है करियर को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने किसी भी चीज़ को लेकर आप मे बी अगर रिस्क नहीं ले रहे हो, लव लाइफ को लेकर एक्शन लेने का डर रहे हो, कुछ किसी भी चीज़ में अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी और आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि ये रिस्क लेने के बाद आपके लाइफ में जो बेटर होगा उससे आप हैरान हो जाओगे। ठीक है, आपको रिस्क लेनी चाहिए, बट रिस्क भी कैसे लेनी है आपको, कैलकुलेट। कुछ भी सोच दिया, कुछ भी उठ के कर दिया, ऐसा नहीं करना है। काफ़ी कैलकुलेशन के साथ आपको रिस्क लेनी है। चलिए देखते हैं कि आपकी मंथ ऑफ दिसंबर कैसा जाएगा, क्या कुछ बेटर होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, द बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। तो आप ही अपने आप फील करोगे काफ़ी कॉन्फिडेंट इस दिसंबर मंथ में। कुछ भी करना चाह रहे हो, कुछ भी बनना चाह रहे हो, कुछ भी हासिल करना चाह रहे हो, आप उसको कर पाओगे। काफ़ी मुझे लगता है अगर काम के जगह पे बात करी जाए तो मे बी आपको प्रमोट किया जा सकता है या कंसिडर किया जा सकता है प्रमोशन के लिए। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। मैं तीन कार्ड्स निकालती हूँ यहाँ पे। पहला हमारे यहाँ पे है ये कार्ड, फिर है ये कार्ड, और ये है, और बॉटम ऑफ द डेक में अभी है फाइव ऑफ कॉइंस। तो कहीं ना कहीं आपको अननेसेसरी लोगों को चेज करना छोड़ देना चाहिए, मुझे लगता है। अपने आप को आइसोलेटेड मत फील करिए, ठीक है, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। पहला जो है वो है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली बात जो यहाँ पे जो एक ही देखिए, एट ऑफ स्वॉर्ड्स को देखकर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये है वैसे नेगेटिव कार्ड की तरह देखा जाता है इसको। दिस इज जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, बट आपका कोई भ्रम टूटने वाला है, आपको रियलिटी दिखेगी। और जब रियलिटी हम देखने लगते हैं ना, तब हम अच्छे डिसीजंस लेने लगते हैं, तब हम स्ट्रांग बनने लगते हैं। वही आपके केस में होने जा रहा है। आपकी कोई भ्रम टूटेगा, आपको किसी की रियलिटी दिखेगी, चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी करियर हो, चाहे आपका वर्क सिचुएशन हो, आपको किसी चीज़ का रियलिटी दिखने वाला है। आखिर आपको वो चीज़ें दिखने लगेगी जो आप देखना नहीं चाह रहे थे या देख नहीं पा रहे थे। यू विल सी द रियलिटी, ठीक है, ऑफ सर्टन सिचुएशंस। और जब हम रियलिटी को देखने लगते हैं, उसे भागने के बजाय या उसे छुपने के बजाय, जब हम रियलिटी को फेस करते हैं, जैसे मैंने कहा टेकिंग रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे थे किसी सिचुएशन में, तो जब आपको रियलिटी दिखेगी तब आप वो रिस्क ले पाओगे। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको काफ़ी पुरानी चीज़ें याद आने लगेगी, किसी पुराने फ्रेंड से या किसी पुराने पार्टनर से आप कभी फिर से एक रीयूनियन हो सकता है, उनसे फिर से मिलना होगा, फिर से आपकी और उनकी बातचीत शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है काफ़ी नॉस्टैल्जिया भी फील करोगे, पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें, कोई एक सिचुएशन जिसको आप ऑलरेडी जी चुके हो, जो काफ़ी ब्यूटीफुल फेज़ ऑफ आपके लाइफ था, वो वापस जीने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सैड भी फील कर सकते हो, आपको इमोशनल काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके कोई बिछड़े हुए दोस्त, कोई पार्टनर, समवन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक इन योर लाइफ। तीसरा, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए जब हमें रियलिटी दिखती है तब हमारा दिल तो टूटता है, बट दिल टूटना ज़रूरी है, रिस्क लेना ज़रूरी है, तब जाके हम आगे बढ़ पाते हैं लाइफ में। तो आपको ये मंथ में काफ़ी एक्सपीरियंस मिलेंगे लोगों के, सिचुएशन के, चाहे वर्क स्पेस में हो या चाहे आपके फाइनेंस को रिलेटेड हो या कोई पर्सन के रिलेटेड हो, कोई दोस्त हो, रिलेटिव हो, आपको एक्सपीरियंसेस गेन करना और आगे बढ़ना है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास है द सन। तो देखिए जब हम लोग इन सारी सिचुएशन से आगे बढ़ जाते हैं तो लियो एनर्जी में आ जाते हैं, सन एनर्जी में। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ यू नो द जो होता है ना ब्राइटनेस एट द एंड ऑफ द टनल। तो ये लाइट आपको मिलेगी, ये हैप्पीनेस आपको मिलेगी जब, बट उस सबसे गुजरना पड़ेगा आपको, तब जाके आपको ये सिचुएशन दिखेगी जहाँ पे आप हैप्पी हो रहे हो, ठीक है। और द बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स, जेमिना एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपको आपका यू नो प्यार मिलेगा, आपको लव ऑफ योर लाइफ मिलेगा, कोई पास्ट पर्सन ही डेफिनेटली लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको अपनी लाइफ में प्यार, जिस प्यार का आप वेट कर रहे थे, जिस एक्सेप्टेंस का, जिस अटेंशन का, जिन भी चीज़ों का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पार्टनर से, वो चीज़ें मुझे फाइनली आपको मिलते हुए दिख रही है। और क्या है हमारे पास आपके लिए, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द टावर। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा रियलाइजेशंस काफ़ी होंगे, ठीक है। देखिए कैसे होता है ना, जब हम लोग रिस्क लेते हैं, जब हम लोग का भ्रम टूटता है, हमें रियलिटी देखती है, तो हमें लगता है जैसे हमारा यू नो हमारी दुनिया इधर से उधर हो गई है, ख़राब हो गई है, डिस्ट्रक्शन हो गया है, लेकिन ये ज़रूरी भी होता है, ठीक है। ये होता है अबाउट, दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट डिस्ट्रक्शन, बट डिस्ट्रक्शन के बाद क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, समथिंग न्यू, लाइट, ब्राइटनेस, हैप्पीनेस, और यही आपके लाइफ में होने जा रहा है। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये टाइम होगा अपने फीलिंग्स को देखने का, झंझोलने का, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, मैंने कहाँ पे अपने फीलिंग्स इन्वेस्ट किए। दिस इज़ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। कहीं ना कहीं आप सोचोगे कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, वॉज दिस वॉट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्या यही मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अपने लाइफ से, ठीक है। आप अपने फीलिंग्स अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करोगे, इमोशनल काफ़ी फील होने वाला है, ये बात तो सही है जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज़ किया है, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है डेफिनेटली। फोर ऑफ कॉइन्स, तो वो दिस इज़ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी आपके लाइफ में विद दिस फोर ऑफ कॉइन्स। आपको ऐसा लगेगा कि येस अभी मुझे रिवॉर्ड किया जा रहा है, अभी मैं काफ़ी टाइम से जो मे बी पैसों की बात की जाए, करियर की बात की जाए, तो जो आपने लूज़ कर दिया था या जो आपको रिवॉर्ड नहीं किया जा रहा था, रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था, वो होने लगेगा। प्यार के मामले में कहाँ जहाँ तक ये देखा जाए, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर पजेसिव होने वाले हो, इनसिक्योर होने वाले हो, ठीक है। आप उनको खोना नहीं चाहोगे, या आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास होगा, आपको रियलाइज़ होगा उनको कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। द हायरोफेंट टॉरस एनर्जी, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है विद दिस टॉरस एनर्जी कि आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखोगे, आप चीज़ों को समझना सीखोगे, आप चीज़ों को, पर्सन को जानना सीखोगे, ऑब्जर्व करोगे, भले उसके लिए आपको थोड़ा यू नो स्टेप बैक करना पड़े, बट आप हर तरफ से चीज़ों को एनालाइज करोगे कि ये ऐसा है तो क्यों है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक ही रीडिंग में आ रही है। दिस इज़ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एनर्जी। मुझे लगता है दिस इज़ समथिंग ब्यूटीफुल। जैसे मैंने पहले भी कहा, आप सही जगह पे अपने फीलिंग्स को इन्वेस्ट करना चाहोगे, किसी भी ऐसे जगह पे फीलिंग्स को इन्वेस्ट नहीं करोगे जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। स्ट्रेंथ है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये है लियो एनर्जी। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, जो कि आप होने वाले, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनने वाले हो, ठीक है। रिस्क लेना, लेने के लिए स्ट्रांग होना भी तो ज़रूरी है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स। आपकी कोई विश भी डेफिनेटली पूरी होगी, दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड। आपकी कोई विश, कोई इच्छा जो काफ़ी टाइम से थी, जो पूरी नहीं हुई थी, मे बी वो पूरी होने वाली है। समथिंग यू आर गोइंग टू इमोशनली फील वेरी सैटिस्फाइड इन द मंथ ऑफ
दिसंबर, ठीक है, आपको काफ़ी सेटिस्फाइड फील होगा। करियर के मामले में, लव के मामले में, कोई विश थी आपकी जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स, जैसे मैंने कहा विद दिस फोर ऑफ कॉइन्स ऑल्सो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर फील होंगे, होगा आपको, पैसा मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी आपको, अर्निंग सोर्सेज जनरेट कर पाओगे, और यू नो काफ़ी लोगों का यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकता है या फिर कंसिडर किया जा सकता है आपको प्रमोशन के लिए। सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ पैसों के मामले में काफ़ी अच्छा दिख रहा है मंथ ऑफ दिसंबर जिन्होंने फाइव नंबर वन चूज़ किया है। चलिए और देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा आप पहले देखोगे कि सामने वाले सिचुएशन में या सामने वाले पर्सन को मुझे कितने इमोशंस दिखाने हैं, और उतना ही आप कैलकुलेटिव इमोशंस दिखाओगे। आप ज़्यादा कैसे होता है ना, कभी कभार हम गलत सिचुएशन में गलत इंसान पे अपने फीलिंग्स को ज़ाया कर देते हैं, तो इस वक्त आप ऐसा नहीं करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के अपने डिसीजंस लोगे। बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप काफ़ी अट्रैक्टिव लोगोगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे दिखाई दे रहा है। देखते ओरैकल से आपके लाइफ में क्या आ रहा है। पाइल नंबर वन जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या है एक्शन, देखिए मैंने कहा एक्शन लेने का समय आ चुका है, ठीक है, ये वक्त नहीं है सिर्फ सोचने का, ये वक्त नहीं है सिर्फ देखने का, अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा तब जाके चेंजेस देखोगे आप अपने लाइफ में। और क्या आता है, या मूवमेंट भी देखोगे आप अपने लाइफ में दिसंबर मंथ में। व्हाट मोर डू वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास है द टेम्पल पाथ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप सही रास्ते पे हो इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आपको लगेगा कि यू हैव चोजन योर पाथ और आप सही रास्ते पे हो, और कहीं ना कहीं आपको वही रास्ता फॉलो करना चाहिए। ये आपके लिए एक एडवाइस है, जो रास्ता आप अभी फॉलो कर रहे हो वही आपको फॉलो करना चाहिए, वही आपके लिए सही है। वॉट मोर डू वी हैव, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आप वो रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं जहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस और हीलिंग दोनों भी हो रही है, आपके आप हील होंगे और आपको हैप्पी फील होगा काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे लगता है आप सही रास्ते पे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आपके लिए सही है। साईं बाबा डेक से आपके लिए एडवाइस देखते हैं। साईं बाबा डेक से हमारे फाइव नंबर वन व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है प्लीज़, जो इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। फर्स्ट यू आर यूनिक, तो देखिए आप यूनिक हो, आपकी जर्नी यूनिक है, आपको ये समझना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं लोगों से, लोगों के करियर से, कि वो कितना अच्छा, उसको कितना अच्छा पैकेज मिला है, वो कितना अच्छा जॉब कर रहा है, उसको कितनी अच्छी पार्टनर मिली है या उसको कितना अच्छा पार्टनर मिला है, उसका कंपेरिजन करना छोड़ दीजिए। हर एक का जर्नी अलग होता है, हर एक का सिचुएशन अलग होता है, हर एक की डेस्टिनी अलग होती है, तो यू डोंट हैव टू कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन एल्स, ओके। आप यूनिक हो, सफरिंग्स, तो साईं बाबा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सफरिंग, जो आपको लगता होगा कि मैं ही क्यों सफ़र कर रहा हूँ, मुझे ही क्यों इतना भुगतना पड़ रहा है, मैं ही क्यों इतना दुखी हूँ, तो आप सिर्फ दुखी नहीं हो, हर एक पर्सन की अपनी अपनी एक अलग ट्रेजेडी चल रही होती है उसके लाइफ में, सिर्फ वो दिखाते कैसे हैं या उसकी तरफ देखते कैसे हैं उनका नज़रिया पे डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है सारे सफरिंग्स के बाद ही इंसान ग्रो करता है, ठीक है। सफरिंग्स नहीं होगी अगर हीरे को तराशा नहीं जाएगा तो हीरा कैसे मिलेगा, राइट। तो वैसे ही होता है कि आपको काफ़ी सफरिंग से गुजरना पड़ता है तभी कुछ ब्यूटीफुल होता है। चैनल, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर एक के अंदर कुछ ना कुछ यू नो सोल पर्पस होता है। मुझे लगता है आपको जो भी काम दिया गया है या जो भी आपका सोल पर्पस है आपको उसको समझना चाहिए, और आपको अपने काम के थ्रू उस सोल पर्पस को अचीव करना चाहिए। आपको साईं बाबा भी यही कहते थे कि मेरे काम का मैं तुम्हें एक जरिया बना रहा हूँ, ठीक है। तो साईं बाबा कह रहे हैं अच्छा काम करिए, साईं बाबा हमेशा अच्छा काम करते थे और आपको भी अच्छा काम ही करना चाहिए। अपने काम से हम दूसरों को हैप्पी करिए, अपने काम से दूसरों को खुश करिए, यही आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। अभी हैंड रिटन मैसेजेस से एक बार देख लेते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइल पे।
ओके मुझे चाहिए ये ठीक है कितने आए हैं और एक चाहिए इसको ले लेते हैं ठीक है और जो हमारा फ्रंट में है वो है ड्रीम्स तो आपके ड्रीम्स होने चाहिए अगर जिस इंसान जो इंसान ड्रीम्स नहीं देखता ना जो इंसान सपने नहीं देखता है वो उसको पूरे कैसे कर पाएगा ठीक है अगर आप देख ही नहीं रहे हो सपने तो पूरे कैसे कर पाओगे प्रे करिए आपके लिए प्रेयर्स बहुत ज़रूरी है जितना प्रे करोगे आपको उतनी चीज़ें मिलेगी बाउंड्रीज तो हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है आपको किसी भी पर्सन को किसी भी सिचुएशन को उस बाउंड्री को क्रॉस मत करने दीजिए स्ट्रांग रहना आपको ज़रूरी है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा ये कार्ड हमें पहले भी आया है फर्स्ट है नेक्स्ट है गुड न्यूज़ तो कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपको इन द मंथ ऑफ दिसंबर नेक्स्ट है कन्फ्यूजन कोई आपका कन्फ्यूजन था वो दूर होने वाला है और यूनियन तो अगर आप सोच रहे हैं किसी के साथ यूनियन होना कोई फ्रेंड कोई बेस्ट फ्रेंड कोई समवन एनीवन योर पार्टनर डेफिनेटली यूनियन होने वाला है तो बस यही रीडिंग थी जिन्होंने नंबर वन पाइल नंबर वन चूज़ किया था जिन्होंने ये ब्लू कलर की क्यूट सी स्माइली चूज़ की थी अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है तो लाइक ज़रूर करना अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो हेलो गाइस जिन्होंने ये क्यूट सब बटरफ्लाई येलो कलर का चूज़ किया था देखते हैं कि आपके लाइफ में दिसंबर में क्या कुछ बेटर होने वाला है क्या कुछ गुड न्यूज़ आप देखोगे रिगार्ड्स टू योर ओवरऑल लाइफ पहला जो कार्ड है हमारे पास वो है मिराकल्स तो अगर आपने सोचा था कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता ऐसा तो हो ही नहीं सकता ये तो ख़त्म हो चुका है रिलेशनशिप या ये जॉब तो मैं कर ही नहीं सकती या ये जॉब मुझे लग ही नहीं सकती या ये मैं गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल ही नहीं सकता तो मिराकल्स होते हैं आपको ये जानना ज़रूरी है कुछ मिराकल्स होने वाले आपके लाइफ में दिसंबर मंथ में दूसरा है फॉरगिवनेस तो अगर आप किसी के लिए कोई किसी के लिए किसी को लेकर कोई गुस्सा लेकर बैठे हो मन में कोई नाराज़गी लेकर बैठे हो या किसी से आपने कुछ बुरा भला कह दिया था तो इस मंथ में स्पेशली उन लोगों से माफ़ी मांग लीजिए वैसे भी हमें ये करना ही चाहिए हमें माफ़ कर देना चाहिए उनके लिए नहीं अपने लिए ठीक है तो फॉरगिवनेस आपको एक तो मिलने वाली है या आपको किसी को फॉरगिव कर देना चाहिए या तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा मंथ ऑफ दिसंबर में चलिए देखते हैं और या अगर किसी की माफ़ी चाहते थे आप तो आपको फाइनली मिल जाएगी आपको खुद को भी माफ़ कर देना चाहिए मुझे लगता है कई बार हम खुद को खुद के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं खुद को काफ़ी ज़्यादा कोसते हैं टोकते हैं हमें वो बंद कर देना चाहिए हमें खुद हम खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करेंगे ठीक है बॉटम ऑफ द डेक में है सेवन ऑफ वॉन्ड्स तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एरीज लियो सैजनर्जी एंड कहीं ना कहीं अगर किसी ने ब्लॉक किया था या आपकी एनर्जीज आप काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रहे थे तो वो अनब्लॉक होने वाले हो ठीक है वो अनब्लॉक होने वाली है चीज़ें एंड थ्री ऑफ कप्स मुझे लगता है कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर समथिंग यू आर गोइंग टू इधर बर्थडे है या एनिवर्सरी है शादी है घर पे किसी की या समथिंग लाइक दैट और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ मिलना और आपके साथ टाइम स्पेंड करना या आपको लगने लगेगा मुझे मेरे पर्सन के साथ मिलना है टाइम स्पेंड करना है या करोगे ओके फिजिकली करोगे टेन ऑफ कॉइंस तो मुझे लगता है आप जिस पार्टनर के साथ हो स्पेशली मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल आपकी जोड़ी है हर मामले में देखा जाए तो काफ़ी स्टेबल है आप दोनों का रिलेशनशिप पैसों के मामले में करियर के मामले में इमोशंस के मामले में काफ़ी स्टेबल है ठीक है और किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से मे बी डील कर रहे हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी एस ऑफ वॉन्स दिस इज़ एरीज लियो साज अगेन मुझे लगता है कि न्यू ब्रांड बिगनिंग होने वाली है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे अगर किसी चीज़ का या किसी पर्सन के तरफ से किसी इनिशिएशन का वेट कर रहे थे कि वो एक्शन लेंगे तो दैट इज़ द दिस इज़ द टाइम नाउ डेफिनेटली लेंगे दिसंबर मंथ में टेम्परेंस कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच बैलेंस आउट होगी ये सैगिटेरियस एनर्जी कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है आप दोनों के बीच में कुछ बेटर होगा ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे फोर ऑफ कॉइन्स तो मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेफिनेटली मिलने वाली है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एनर्जी है दिस इज़ अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड मुझे लगता है आप या आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को लेकर इनसिक्योर या फिर यू नो ये पर्सन मेरा है इस तरह की फीलिंग ज़्यादा आएगी नाइट ऑफ कप्स है तो बहुत कम इमोशंस दिखाना या फिर कैलकुलेटिव इमोशंस दिखाना ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे बट कोई तो यहाँ पे एक तो आपको जो किसी को फीलिंग्स एक्सप्रेस करोगे बट उसमें थोड़ी झिझक होगी थोड़ा कम दिखाओगे एक्सप्रेस करोगे या फिर
सामने वाला पर्सन यू नो काफ़ी कम आपको एक्सप्रेस करेगा. नेक्स्ट हमारे पास है टू ऑफ वॉन्ड्स, ये है एरीज लियो सैजनोजी. और मुझे लगता है विद दिस टू ऑफ वॉन्ड्स आप अपने लाइफ के क्रॉस रोड्स पे आ जाओगे जहाँ से आपको कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, मेजर डिसीजंस. और वो डिसीजन काफ़ी अच्छा लोगे आप अपने आपके दिसंबर मंथ में, जो भी डिसीजंस अगर बड़े कुछ ले रहे हो काफ़ी अच्छे लोगे. और मुझे ये भी लगता है कि कोई तो है समवन मे बी स्टेइंग अवे फ्रॉम यू, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, या फिर कोई प्लान कर रहा है कि आप तक कैसे पहुंचा जाए. विद दिस नाइन ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो समवन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू, या आप किसी को लेकर काफ़ी पैशनेट हो. ये कोई सीक्रेट लवर भी हो सकता है जो प्लान कर रहा है टू एक्सप्रेस समथिंग. नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स, कोई कन्फ्यूजन, कोई कॉन्फ्लिक्ट चॉइसेस होंगे मे बी, ठीक है. तो उस कन्फ्यूजन से आप बाहर निकलोगे. दिस कैन बी रिगार्ड्स योर करियर, योर फाइनेंसेस, योर बिजनेस, जॉब, या जॉब चेंज करना चाहते हो, या एनी थिंग, ठीक है. रिलेशनशिप की बात जहाँ तक देखी जाए, मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन आपके और किसी और के बीच में कंफ्यूज था, तो वो कंफ्यूजन मुझे हटते हुए दिख रहा है. व्हाट मोर डू वी हैव नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स. जैसे मैंने कहा कि आप सेविंग्स कर पाओगे, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है. कोई बोनस मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है. और मुझे ये भी लगता है अगर ये प्यार के मामले में देखी जाए चीज़ें, तो मुझे लगता है कोई तो आपकी काफ़ी वैल्यू समझ रहा है, आपको काफ़ी वैल्यूएबल समझ रहा है, अपने लाइफ में इंपॉर्टेंट समझ रहा है. सिक्स ऑफ कप्स आपके पास आना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है, ठीक है, जो कि होगा. ये सारी चीज़ें मैं 7th दिसंबर मंथ की ही बता रही हूँ. व्हाट मोर डू वी हैव नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स. तो यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होंगे लोगों के साथ, अपने पार्टनर के साथ. यहाँ पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप क्या बोलते हो. कभी कभार क्या हो जाता है, हम ज़्यादा ही एक्साइट होकर कुछ भी बोल देते हैं, किसी को कोई बात लग सकती है. और मुझे ये न्यू स्टार्ट भी दिख रही है, मे बी आपकी रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग, ठीक है. एट ऑफ वॉन्ट्स, कम्युनिकेशन रिसीव होने वाले हैं, गुड न्यूज़ रिसीव होने वाले हैं. दिस इज़ अबाउट गुड न्यूज़, ओके. तो ये कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो सकती है, कहीं पे जॉब आपने अप्लाई किया था, वहाँ से कोई ऑफर आ सकती है, वहाँ से कॉल आ सकता है. या फिर आपके पार्टनर का अगर काफ़ी टाइम से कॉल मैसेज रिसीव नहीं हुआ था, तो आप उनसे भी अनएक्सपेक्टेडली आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ठीक है. व्हाट मोर डू वी हैव नेक्स्ट हमारे पास है किंग ऑफ कॉइन्स. जैसे मैंने पहले भी कहा, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल फील करोगे, आपको लगेगा पैसा इनफ है मेरे पास. कहीं ना कहीं मुझे लगता है सैलरी हाइक भी हो सकती है किसी किसी को, या कोई अर्निंग सोर्स नया जनरेट हो सकता है, या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी, मुझे लगता है लव के मामले में देखा जाए तो किसी बॉस के साथ आप डील कर सकते हो, या कोई यू नो आपसे हायर पोजिशन में कोई पर्सन है, उनका आप पे क्रश हो सकता है, या वो आपका उन पे यू नो आपकी फीलिंग्स उनके लिए जनरेट हो सकती है, समथिंग लाइक दैट. व्हाट मोर डू वी हैव जस्टिस. तो अगर कोई लीगल इशू है स्पेशली, तो वो सॉर्ट आउट होगी और आपके हक में उसका जवाब आएगा, आपके हक में उसका जो भी है आएगा. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस इज़ लीब्रा एनर्जी. मुझे ये भी लगता है कि आपको इस लव सिचुएशन में जस्टिस मिलेगा. अगर आपको लग रहा था कि मुझे जस्टिस नहीं मिला है, यू विल हैव दैट जस्टिस नाउ, ओके. और बॉटम ऑफ द डेक में भी है टू ऑफ कॉइन्स. तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन से डेफिनेटली मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो. चलिए ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है. बॉटम में है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर. जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया, आपको काफ़ी स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है. अपने ऊपर भरोसा कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ओके. व्हाट मोर डू वी हैव फर्स्ट है द वर्ल्ड. तो अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, या कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल के ऐसा आ सकता है, कोई सिचुएशन जहाँ पे आपको ट्रैवल करना पड़े, अब्रॉड जाना पड़े, या समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई पीआर का प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो सकता है. एंड मुझे कोई आपके लाइफ में वापस आते हुए दिख रहा है, कोई साइकिल कंप्लीट हो रही है, या कोई डिफ़िकल्ट साइकिल मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही है, ओके. व्हाट मोर डू वी हैव स्ट्रैटेजी. आपको हर चीज़ काफ़ी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ करनी है, चाहे काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आपका स्टडी हो. मैनेजमेंट सीखिए, प्लानिंग सीखिए. रिलेशनशिप में भी जहाँ तक की बात की जाए, मुझे तक कोई कुछ प्लान कर रहा है, आपसे दूर है, बट प्लानिंग चल रही है कि कैसे आप तक पहुँचा जाए, कैसे आपसे कनेक्ट किया जाए.
वॉट मोर डू वी हैव इन योर विक्ट्री, आपको सक्सेस मिलने वाली है. एज आई टोल्ड यू विद दिस जस्टिस ऑल्सो, आपको सक्सेस मिलेगी, चाहे ये प्यार का मामला हो चाहे करियर का मामला हो. यू विल हैव द यू नो लास्ट पीस ऑफ केक. चलिए एडवाइस देखते हैं फ्रॉम साई बाबा डेक. साई बाबा डेक से पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, आपके लिए क्या एडवाइस है प्लीज़. साई बाबा डेक से जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए क्या एडवाइस है. क्या एडवाइस है फर्स्ट है हमें बैलेंस. तो जैसे मैंने कहा विद द टेम्परेंस ऑल्सो, कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है. एंड मुझे लगता है कि आपके लिए एक एडवाइस भी है यहाँ पे, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. जब कभी भी आपको लगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर जा रही है, आप उसको नहीं बैलेंस आउट कर पा रहे हो, तो प्लीज़ ब्रीद. ओके, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट. सिचुएशन बैलेंस आउट होने वाली है डेफिनेटली. यू आर यूनिक, तो हर एक का अपना अलग सिचुएशन होता है, हर एक के अलग प्रॉब्लम्स होते हैं. अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत कीजिएगा. डेफिनेटली आप यूनिक हो, आपको ये समझना चाहिए कि आप दूसरों के जैसे लाइफ नहीं जी रहे हो. आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी, आपकी खुद की एक लाइफ है, उसको अच्छे से जीना है आपको. बस ट्रस्ट, बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट. तो जैसे साई बाबा हमेशा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, तो श्रद्धा और सबूरी होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी, विश्वास होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अपने आप पे और आजू बाजू के सिचुएशन पे, अपने पार्टनर पे, जो भी सिचुएशन है, आपको बहुत पेशेंस रखना है. चलिए हैंड रिटन एडवाइजेस से देखते हैं कि आपके लिए, या हैंड रिटन मैसेजेस से देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या बेटर होने वाला है. कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा अनएक्सपेक्टेडली. दूसरा स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, बाउंड्रीज सेट करने चाहिए आपको. और ये है ड्रीम्स, तो आपके कोई ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे, या ड्रीम्स के थ्रू आपसे एंजल्स कनेक्ट करेंगे, आपको ध्यान रखना है. व्हाट मोर डू वी हैव, चलिए और दो हीलिंग, तो आपकी हीलिंग हो रही है या फिर आपको हील होने की ज़रूरत है. और फायर साइन, तो मे बी आप किसी एरीज लियो साथ से डील कर रहे हो या कर सकते हो, या यू नो आप खुद एरीज लियो साज हो. तो बस यही रीडिंग थी जिन्होंने ये क्यूट सा येलो कलर का बटरफ्लाई चूज़ किया था. अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो लाइक करना है आपको. और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो. हेलो गाइस, जिन्होंने क्यूट सा ऑरेंज स्टार चूज़ किया था, पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए स्पेशल मैसेजेस क्या है. ओवरऑल मंथ कैसा होगा आपका. दिसंबर 1st है यहाँ पे कम्युनिटी, तो मे बी आप अच्छे फ्रेंड्स अट्रैक्ट करोगे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, या लोग आपके पास रहना, साथ रहना पसंद करेंगे, आपकी गाइडेंस के लिए आएंगे आपके पास, या यू नो आपके कोई नए फ्रेंड्स बन सकते हैं. एंड मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में भी आपको पर्सन को रियलाइज़ होगा कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपका या उनका नहीं है, दिस इज़ यू नो टीम वर्क. दूसरी एक चीज़ है सॉलिट्यूड, तो कहीं ना कहीं आपको अकेला रहना पसंद आएगा. आपको लगेगा कि अकेले रह के मुझे बहुत काम फील हो रहा है, बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील हो रहा है. तो मे बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर का आप काफ़ी देखिए काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग सी एनर्जी दिख रही है मुझे. कभी आपको लगेगा कि मुझे अकेले रहना है, कभी आपको लगेगा मुझे ग्रुप में रहना है, या फिर आपको अकेला रहना पसंद होगा, बट आपको यू नो यूनिवर्स आपको पुश करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो, सेलिब्रेट करो, अपना टाइम लोगों के साथ बिताओ या स्पेंड करो. चलिए देखते हैं आपके लिए फ्रॉम द टैरो क्या आता है, कैसा आपका मंथ ऑफ दिसंबर रहेगा. मूडी फील करोगे ऐसा मुझे लग रहा है. कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर कोई बर्थडे या शादी या समथिंग लाइक दैट. ठीक है, कुछ डेफिनेटली सेलिब्रेशन होने वाला है, या आपको फील होगा कि आपको अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, मिलना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, या उनको लगेगा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. बॉटम ऑफ डेक है 7 of Swords, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व थी, स्पेशली विद दिस 3 of Cups एंड 7 of Swords आपके पार्टनर की साइड से, तो वो सॉल्व होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर.
थर्ड पार्टी हट जाएगा या सिचुएशन ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा, अकेला फील करोगे या फिर अकेला रहना पसंद करोगे, या फिर यू नो यू विल स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज़ हर्टिंग यू। आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन मुझे हर्ट कर रही है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, या मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू विल वॉक अवे फ्रॉम समथिंग। ठीक है, फाइनली अपने आप के लिए और अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे। फोर ऑफ कॉइंस भी है यहाँ पे। व्हाट मोर डू वी हैव? नेक्स्ट है हमें थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है आप पीछे मुड़कर देखोगे अपने लाइफ की तरफ, अपने एक्सपीरियंस की तरफ, कि कैसे यू नो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। कहीं ना कहीं कुछ प्रेपरेशन करोगे, या फिर मुझे ये भी लगता है कि कोई पुराना जॉब था जो आपको छोड़ना पड़ा किसी रीज़न के वजह से, तो आप फिर से ज्वाइन करना चाहोगे, या फिर कोई हॉबी थी या कोई पर्सन था। यू आर लुकिंग बैक, आप पीछे मुड़कर देख रहे हो सिचुएशन की तरफ कि क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। एनालाइज करोगे, प्लान करोगे, स्ट्रैटेजाइज करोगे, कुछ ना कुछ डिसीजंस लोगे, ठीक है, जो आपके करियर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके स्टडीज़ के लिए या आपके ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। हर्मिट मोड है। देखिए मैंने कहा आपको काफ़ी अकेला रहना पसंद होगा, वर्गो एनर्जी, आप अकेला रहना काफ़ी पसंद करोगे, आप अपने इमोशंस पे काम करोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, मोड भी है। नेक्स्ट हमारे पास है द मजिशियन, जेमिना एनर्जी। आप अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना चाहोगे। काफ़ी लोग यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी करेंगे, ठीक है, मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। बेसिकली आप अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो डेफिनेटली होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और मुझे लगता है जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाना चाहोगे कि मेरे कंट्रोल में आ जाए ये सिचुएशन। दिस इज़ एरीज एनर्जी, ठीक है, चाहे ये वर्क सिचुएशन हो या आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन हो या इमोशंस हो आपके, आप उस पर कंट्रोल पा जाओगे, आपको कंट्रोल आ जाएगा उस सिचुएशन पे। यू आर गोइंग टू डेफिनेटली मीट समवन न्यू, ओके, या फिर कोई पर्सन जिनका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट, और जिनसे आप डील कर रहे हो, प्यार बढ़ने वाला है। बेसिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है, इमोशंस इक्वली फ्लो होंगे दोनों ही साइड से। एंड विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो भी सकता है किसी के लिए यू आर डीलिंग विद समवन हु इज़ नॉन कमिटल, जो आपको कमिटमेंट नहीं देते, तो उनकी तरफ से आपको ज़्यादा यू नो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए। कहीं ना कहीं आप अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि जो आपको कमिटमेंट ही नहीं दे रहे और आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो मुझे कमिटमेंट देंगे, तो ये नहीं हो पाएगा, राइट। आपको पेशेंस रखना होगा, टाइम विल टेल यू एवरीथिंग आई टोल्ड यू। Wanting to find control, balance into the situation, Aries energy. कहीं ना कहीं आपके bosses के साथ, आपके higher authorities के साथ आपके relation काफ़ी अच्छे होंगे। आप अपने relationship को भी अपने हाथ में control में ले पाओगे। Bottom of the deck, sorry, the full energy, see, Aries energy, something. आप risk लेना चाहोगे, risks काफ़ी ज़्यादा लोगे the month of December. एक new beginning के लिए भी शुरू होंगे, या आपके partner एक new beginning के लिए पूछ सकते हैं या बोल सकते हैं, उनकी इच्छा जाहिर कर सकते हैं कि दे टू वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। कुछ तो डेफिनेटली ब्यूटीफुल यहाँ पे होने वाला है इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन योर लाइफ। न्यू साइकिल यहाँ पे बिगिन होते हुए दिखती है मुझे। व्हाट मोर डू वी हैव? केयरलेस हो जाओगे, ज़्यादा नहीं सोचोगे सिचुएशन को लेकर। द सन, यू विल वॉन्ट टू बी हैप्पी एंड आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है, और लोग आपके साथ हैप्पी फील करेंगे। आप लोगों के जहाँ पे आप पहले शुरुआत में मंथ के शुरुआत में जहाँ पे आप अकेला रहना आपको अच्छा लगने लगेगा, वहीं पे मंथ के एंडिंग में लोगों को आपके साथ रहना काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है फिर से। इट इज़ अबाउट यू नो फाइंडिंग कंट्रोल एंड बैलेंस इनटू द सिचुएशन। ये लियो एनर्जी है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? आपके पर्सन को भी रियलाइज होगा कि आप ही उनकी हैप्पीनेस हो। द वर्ल्ड, मे बी वर्ल्ड ट्रैवल्स होंगे या ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। स्पेशली जो बिजनेस वाले लोग हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मे बी ग्लोबलाइज होंगे आपके बिजनेस को, यू नो आप एक्सपांड करोगे, या कुछ PR का इशू था किसी का तो वो सॉर्ट आउट हो सकता है। पास कुछ भी anything that you were expecting related to travel वो होने वाला है। कहीं सेटल डाउन हो सकते हो, जॉब के लिए कहीं जा सकते हो,
मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोग यहाँ पे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, समथिंग ब्यूटिफुल इज़ गोइंग टू हैपन इन योर रिलेशनशिप, या फिर आप दोनों मिलोगे, फाइनली प्लान करोगे, आपके पर्सन आपसे मिलने का प्लान करेंगे. द लास्ट वन वी हैव इज़ द किंग ऑफ सोर्ड्स. आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, या फिर देखिए एक बैलेंस होना चाहिए इंसान के रवैये में, जहाँ पे इंसान ना ज़्यादा किसी को अपने पे हावी होने दे रहा है, ना वो पर्सन कुछ ज़्यादा रूडली उस सिचुएशन से डील कर रहा है. तो अगर जो पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में हो स्पेशली, जो पर्सन आपको कट ऑफ कर दिया था जिसने अपनी लाइफ से, वो वापस कनेक्ट करेंगे आपसे, ठीक है. तो आपको अपना रवैया इतना भी रूड नहीं रखना है, ओपन रहिए, सिचुएशन को एक्सेप्ट करिए. ओके, मोटिवेट. हाँ, पहला हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, और आपको एंजल्स ब्लेस कर रहे हैं. यू नीड टू हील, आपकी हीलिंग की जाएगी इन द डिसम्बर मंथ. यू विल फील कि आप काफ़ी रिजनरेटेड फील कर रहे हो. व्हाट मोर डू वी हैव, एंग्जाइटी. तो प्लीज़ अपने एंग्जाइटी से डील करिए. ओके, आपको एंग्जाइटी या एंग्शियस फील हो रहा है, तो स्पेंड टाइम विद समवन. डोंट अकेले रहोगे तो एंग्शियस एंग्जाइटी और बढ़ेगी आपके. आपको लोगों के साथ रहना चाहिए, ठीक है. इंसान बना ही लोगों के साथ, कम्युनिटी में रहने के लिए है, अकेले रहने के लिए नहीं. हैप्पी फैमिली, तो यू नो आपके पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, या आपके पर्सन या आप चाहते हो ऐसा. अगर आप शादीशुदा हो तो आपके लाइफ में यू नो यू विल सी के काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, या आपके फैमिली इशूज चल रहे थे कुछ, तो वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है. चलिए साई बाबा डेक से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आता है. पहला है हमारे पास रीड दी होली बुक्स. तो कहीं ना कहीं जैसे गीता होती है, भगवद गीता, हमें उन्हें ऐसे होली बुक्स को, हमें जो भी आप रिलीजियस को फॉलो करते हो, जो भी होली बुक्स आप पढ़ते हो, प्लीज़ उनको पढ़िए. कुछ ना कुछ साइंस अमेंस या आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे उसके थ्रू. डेफिनेटली कुछ अच्छा आपको सीख डेफिनेटली मिलेगी अगर आपके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो. नेक्स्ट वी हैव धुनी. अगर आपके पास साई बाबा की धुनी है तो प्लीज़ उसमें अपने वरीज़ को, अपनी चिंताओं को, अपने गुस्से को, अपने परेशानी को, अपने दुख दर्द को, अपने जेलसी को, अपने सारे रोग राई जो भी आपके अंदर है, जो भी डिसीजेज है, उसको डाल दीजिए. साई बाबा उनको यू नो डील करेंगे उसके साथ. और धुनी लगाइए, अगर आपके पास धुनी है तो आपको खुद को लगाया करिए साई बाबा की. जो लास्ट मैसेज है, बी द लाइट. तो किसी की मदद करिए, किसी के अंधेरे का उजाला बनिए, किसी को तो रास्ता दिखाइए, तब जाके भगवान आपको रास्ता दिखाएंगे, तब यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, ठीक है. जब अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, आप बस एक्सपेक्ट ही कर रहे हो कि लोग आपकी मदद करें, आपकी बात समझे, आपसे प्यार करें, तो भाई ऐसी दुनिया नहीं चलती. आपको भी करना पड़ता है, आपको भी प्यार करना पड़ता है, तब जाके आपको प्यार मिलता है. चलिए आपके लिए हैंड रिटन एडवाइजेज या मैसेजेस देखते हैं. यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6. टॉप पे है यहाँ पे अर्थ साइन. तो मे बी आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या कर सकते हो, या कोई थर्ड पार्टी है. और ये है LMQUWX. तो मे बी आप इनसे किसी इस इनिशिएटिव के पर्सन सॉरी इनिशियल के पर्सन से डील कर रहे हो. सेपरेशन, तो मे बी आप दोनों का अगर सेपरेशन हो चुका था तो यू विल फाइंड यू नो आप रियूनियन होगा आप दोनों का. ब्लाइंड फोल्ड, तो आपको अपने आंखों पे से पट्टी हटानी है या कोई रियलिटी आपको दिखेगी. ईगो क्लैशेस, तो आपको ईगो क्लैशेस में नहीं पड़ना अपने पर्सन के साथ. प्रे करना है ज़्यादा आपको, प्रे मोर. न्यू बिगनिंग्स होने वाली है, रियूनियन होने वाला है किसी के साथ. और हीलिंग, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस भी आया था आपके लिए. तो यही थी रीडिंग जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा ऑरेंज स्टार चूज़ किया था. अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो लाइक ज़रूर करना. अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना. लव यू ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.